भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बन रहा है। ओबामा के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। आखिर ओबामा के इस दौरे से भारत को क्या फायदा होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। नमस्कार जाला जी। नमस्कार जयदीप जी, क्या बराक ओबामा के दौरे से भारत को कोई फायदा होगा, जबकि न्यूक्लियर डील खतरे में प्रति दिखाई दे रही है? देखिए झाला जी, एक बात तो तय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। न केवल वो पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेंगे, बल्कि वे अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार हिंदुस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। अमेरिका को कोई भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान एक बार आने के बाद दोबारा हिंदुस्तान नहीं आया है। इसमें कई सारे अहम तथ्य हैं इसके पीछे। फायदे और नुकसान का आकलन तो उनकी यात्रा पूरी हो जाने के बाद होता रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे के बीच में एक तरह की केमिस्ट्री स्थापित की है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इसमें एक अहम बिंदु, एक अहम पड़ाव साबित हुई है, वहाँ जिस तरीके से हिंदुस्तानियों ने और अमेरिकियों ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे निश्चित तौर पर बराक ओबामा प्रभावित हुए। देखिए, एक अहम बात इस यात्रा के पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक सफ़र है, उसमें एक बड़ी समानता यह है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब पूरे देश को उनसे कई तरह की उम्मीदें थीं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही थी, उनका अपनी व्यवस्था में और अपने राष्ट्रपति में नेतृत्व में विश्वास कम हो गया था। उस मंदी से, उस अर्थव्यवस्था के संकट से उबारने के लिए आशा की किरण बनकर बराक ओबामा उनकी उम्मीदों की लहरों पर सवार होकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और अब उनका दूसरा कार्यकाल भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में ये पहला कार्यकाल है, लेकिन उन्होंने भी हिंदुस्तान की बागडोर तब संभाली है जब देश घोर निराशा के गर्त में समाया था। देश में लग रहा था कि लगातार भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की बातें होंगी, घोटाले सामने आएंगे, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला घोटाला हो, और एक तरह से लोगों को लगने लगा था कि हिंदुस्तान में सत्तर अव्यवस्था ही और अच्छा कुछ नहीं हो रहा। इसी को देखते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें जो जन समर्थन था उससे उस आंदोलन का आगे क्या हश्र हुआ, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन वो जो देश की अव्यवस्था की स्थिति थी, उससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए एक मसीहा के रूप में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बराक ओबामा ने ये देखा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार आई है जिसको पहली बार इस तरीके से ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ है, जो गैर कांग्रेसी सरकार है। पिछली सरकार से उन्होंने जब संपर्क सरकार से जिस तरह की भी बातचीत की थी, उनको एक दिक्कत हमेशा रहती थी कि जो सहयोगी हैं, जो गठबंधन की मजबूरियां हैं, वो हमेशा सरकार के निर्णयों में एक बड़ी बाधा बनेंगी। तो इसलिए इस मायने में दौरा ऐतिहासिक है के बराक ओबामा ने भी अपने राष्ट्र की उम्मीदों पर सवार होकर राष्ट्रपति पद की कुर्सी हासिल की, और उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी, और दोनों के बीच में जिस तरह की केमिस्ट्री चल रही है उसी का यह नतीजा रहा कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस दौरे से जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही राजनीतिक फायदा होने वाला है? नहीं, ये आपने अहम सवाल पूछा। देखिए, जो उनका पिछला कार्यकाल था, उस वक्त भी कार्यकाल के आखिरी समय में बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारने का एक बड़ा कदम उठाया, और उस कदम के बाद अगले कार्यकाल में निश्चित तौर पर लोगों के ध्यान में अर्थव्यवस्था या वहाँ पर जो बीमा योजना है, स्वास्थ्य योजना है, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था वहाँ की संसद में, उसको दरकिनार करते हुए लोगों ने उनको फिर से चुना और फिर से वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुँचे। इसी तरीके से इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं, जहाँ एक तरफ अमेरिका अपनी मंदी से उभरने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों में अमेरिका की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसको स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने इस कार्यकाल में भी कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जिससे अमेरिका की स्थिति विश्व स्तर पर मजबूत हो, ये ज़रूरी है कि बराक ओबामा भी अपने उन देशों से संबंध घनिष्ठ करें जिन देशों से संबंधों की घनिष्ठता उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। रूस और अमेरिका में फिर से एक तरह का शीत युद्ध शुरू हो गया है। हमने देखा कि किस तरह पुतिन और ओबामा के बीच में भौहें तनी हुई हैं। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर विश्व समुदाय अलग खड़ा है। इसी तरह अफगान युद्ध में अफगान सेना की वापसी को लेकर कई तरह के दूसरे विचार सामने हैं। इराक का जो ISI का संकट है, एक बहुत बड़ा संकट है। इन सब संकटों के बीच विश्व के ऐसे किन देशों से हाथ मिलाया जाए जिनकी वजह से अमेरिका विश्व मंच पर अपने नेतृत्व को स्थापित करता चले, तो ये भी एक राजनीतिक लाभ है। दूसरा, अमेरिका सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था की धुरी पर घूमता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है।
अगर वो यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर सामग्री नहीं बेच पाते हैं, अपने उत्पाद नहीं बेच पाते हैं, चीन जिस तरीके से भारत के बाजार पर कब्जा करने को आमादा है, यूरोप से भारत की जैसे नज़दीकी बढ़ रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आसपास के देशों की और मित्रता का हद बढ़ाया है, उसको देखते हुए ज़रूरी है कि अमेरिका भी अपनी आर्थिक हितों की रक्षा करे। जयदीप जी, ऐसा नहीं लगता कि ओबामा के दौरे को मीडिया को जरूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहा है? देखिए, ये निश्चित है कि इस समय टेलीविज़न पर बराक ओबामा की भारत यात्रा पूरी तरह छाई हुई है। यहाँ तक कि दिल्ली के चुनाव, जहाँ पर निश्चित तौर पर एक बहुत कड़ा मुकाबला हमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है और सारे देश की नज़रें उस ओर है, जिस तरीके से अन्य विधानसभा चुनावों पर उतनी ज़्यादा कवरेज देखने को नहीं मिली जितनी कि दिल्ली के चुनावों पर हमको देखने को मिल रही, उसके बावजूद निश्चित तौर पर बराक ओबामा के की यात्रा को लेकर मीडिया में कुछ प्रतिसाद ज़्यादा है, लेकिन ये होना स्वाभाविक भी है। मुझे लगता है कि चाहे हम कुछ भी कहें, अमेरिका अभी भी दुनिया का चौधरी तो बना हुआ है, और दुनिया का चौधरी जब इस तरीके से हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर हमारे गणतंत्र दिवस की उत्सव में शामिल होता है, तो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव का महत्व न केवल बढ़ जाता है पर मीडिया के लिए, कवरेज के लिए कई सारे बिंदु इसमें शामिल होते हैं, तो मीडिया निश्चित तौर पर उस कवरेज को उतनी तवज्जो देगा। मुझे लगता है कि मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस दौरे से कुछ हासिल हुआ या नहीं, निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण होगा। आपने एक न्यूक्लियर डील का भी सवाल पूछा था। मुझे लगता है कि एक तरफ हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार देखी थी, जिन्होंने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर यह तक कह दिया था कि यदि वो मंजूर नहीं होती संसद से तो वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरी तरह बहुमत के साथ सरकार में आए हैं और वो अपने हर निर्णय को लेकर अपनी बात किसी भी दुनिया के देश से मनवाने के लिए अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में अमेरिका की न्यूक्लियर डील की राह आसान नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा पर हमसे चर्चा कर रहे थे वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। धन्यवाद जयदीप जी।